दिल्ली में ऑक्सीजन नहीं दे सके, नदियां भर गई थी लाशों से, कुत्ते लाशों को खा रहे थे। एक चौपाल पर बैठने वाला भी इस तरह की गुफ्तगू नहीं करता जो भारत के वजीर आजम आज कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी, याद रखो, आप आज इस देश के प्रधानमंत्री हैं, कल नहीं रहेंगे इंशाअल्लाह। बताओ नरेंद्र मोदी, जब आप मंगलसूत्र की बात करते हैं तो क्या जब कोविड हो रहा था तो 10 लाख से ज्यादा भारत के लोग मर गए, जो मरने वालों में कई हमारी बहनों के शौहर थे, बताओ क्या वे बेवा नहीं हुई? आपने क्या किया उनकी? दिल्ली में ऑक्सीजन नहीं दे सके, नदियां भर गई थी लाशों से, कुत्ते लाशों को खा रहे थे। याद करो कोविड के जमाने के नजारों को। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, भारत के वजीर आजम ने इस तरह की गुफ्तगू की, ये उनको जेब नहीं देता। अरे ये तो एक चौपाल पर बैठने वाला भी इस तरह की गुफ्तगू नहीं करता जो भारत के वजीर आजम आज कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी, याद रखो, आप आज इस देश के प्रधानमंत्री हैं, कल नहीं रहेंगे इंशाअल्लाह। तो 100 साल जिंदा रहने के लिए नहीं आया है, से आया है और इसी जमीन में चला जाएगा। तो इस देश का देश तो रहने वाला है नरेंद्र मोदी, तुम और हम चले जाएंगे इस दुनिया से, मगर भारत तो रहेगा इंशाअल्लाह ताला। मगर किस हालत में आप छोड़कर जाएंगे भारत को? दिलों को तोड़ने का काम इस देश का प्रधानमंत्री कर रहा है। वो जबान इस्तेमाल कर रहे हैं जो हिटलर भी नहीं इस्तेमाल किया था। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इसीलिए मैं आपसे अपील कर रहे हैं, अपील कर रहा हूं जो मेरे भाई हैं, तुम मुझसे सियासी इख्तलाफ रखो कोई बात नहीं, मगर अगर कोई तुमको बर्बाद करने के मंसूबे बना रहा है तो कम से कम होश के नाखून तो लो। तुम अख्तरुल ईमान की मुखालिफत में ऐसे लोगों का साथ दे रहे हो।